बड़ी खबर है भोपाल से। आपको बता दें, छिंदवाड़ा कलेक्टर की चुनाव आयोग से शिकायत की है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये शिकायत की है। उनका आरोप है कि कलेक्टर ने हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं दी। शिवराज ने कांग्रेस पर पक्षपात का आरोप लगाया है, कहा है कि कांग्रेस के दबाव में काम कर रहे हैं कलेक्टर। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर कांग्रेस सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को छिंदवाड़ा में उतरने की इजाजत नहीं दी गई। शिवराज ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि कांग्रेस पक्षपात की राजनीति कर रही है, कांग्रेस के दबाव में कलेक्टर काम कर रहे हैं और इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिकायत की है चुनाव आयोग से। उनका कहना है कि जब वो छिंदवाड़ा पहुंचे तो उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई, कलेक्टर की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर कांग्रेस सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार पक्षपात की राजनीति कर रही है। इस सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कलेक्टर की। उनका आरोप है कि छिंदवाड़ा में उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। छिंदवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी वहां के कलेक्टर के खिलाफ शिकायत लेके आया है। मुझे कहते हुए तकलीफ है, छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए हम भी गए थे, हेलीकॉप्टर से मेरा दौरा था। एक गुड़मंडी चौरई विधानसभा में मेरी सभा थी और दूसरे परासिया विधानसभा के उमरेठ में मेरी सभा थी। के लिए नियम अलग बन गए, वहां के लिए दिशा निर्देश अलग हो गए। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट्स की जो उड़ान के संबंध में बीएफआर विजुअल फ्लाइट रूल्स जो है वो मैं आपको एक बार कोट करके आपको दिखाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। इस फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अशोक उपाध्याय, रुख करेंगे उनका। जी अशोक, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, छिंदवाड़ा में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया पूर्व सीएम का और अब वो शिकायत लेकर पहुंचे हैं चुनाव आयोग के पास, क्या कहना चाहेंगे आप? जी आरती, बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा कलेक्टर की शिकायत चुनाव आयोग से की है। दरअसल कल शाम को शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा में एक रोड शो था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति कलेक्टर ने नहीं दी, जिससे शिवराज सिंह भड़क गए और कलेक्टर की शिकायत चुनाव आयोग से करने पहुंचे। शिवराज सिंह का आरोप है कि कलेक्टर कांग्रेस के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने पक्षपातपूर्ण आरोप लगाते हुए कहा कि छिंदवाड़ा के सारे नियम बदल दिए गए हैं। दरअसल छिंदवाड़ा विधानसभा से सीएम कमलनाथ उपचुनाव लड़ रहे हैं, उनके पुत्र नकुलनाथ लोकसभा से प्रत्याशी हैं। शिकायत करने पहुंचे चुनाव आयोग पहुंचे शिवराज सिंह के साथ। जी जी, हेलो, जैसा कि आपने बताया अशोक की शिकायत उन्होंने दर्ज कर दी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं? आखिर क्यों हेलीकॉप्टर को उतरने से रोका गया? जी फिलहाल चुनाव आयोग ने शिकायती आवेदन ले लिया है। वही छिंदवाड़ा कलेक्टर ने सफाई दी है और कहा है कि शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर शाम 5 बजे पहले चौराहे पे उतरना था। जी, जिस एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होती वहाँ 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं देते। कलेक्टर ने कहा कि भाजपा को पहले ही सर्कुलर की कॉपी दे दी गई थी। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि सीएम कमलनाथ समेत सभी प्रदेश के बड़े नेताओं को इसी सर्कुलर का पालन करना होता है। जी बिल्कुल अशोक, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से ये दलील दी गई है कि क्योंकि रात का वक्त था इसलिए वहां पर इजाजत नहीं दी गई हेलीकॉप्टर उतरने की। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कलेक्टर की चुनाव आयोग से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिकायत की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कलेक्टर कांग्रेस के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब छिंदवाड़ा पहुंचे थे पूर्व सीएम तो उनके हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं दी गई थी उतरने की और इसी को लेकर अब वो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं।